Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. आरती जी, कल्पना जी, रूपा जी, कोमल जी और मनीषा जी, इतने ही लोग हैं आज। चलिए फिर भी आप लोगों का आर्टवर्क देख के मैं फीडबैक देता हूं। ओके, अंजना मैम, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बट आपने धनुष नहीं बनाया, अगर आप धनुष बनाती तो और भी अच्छा दिखता, ये राम जी का स्वयंवर दिखता। बट अभी धनुष नहीं है तो आप इन्हें कृष्ण भी बोल सकते हैं, इसीलिए आपको, आपने क्या बनाया है, आपको क्या बनाना है, वो सिंबॉलिक उनका कुछ होता है, वो अगर डालेंगी तो ही जाके पता चलेगा, है ना। हेलो मैम, नहीं है सर क्लास में। अच्छा, नहीं है, ओके। सुरभि जी, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत सुंदर। सर वो मेरा है सर, आई फॉरगॉट राइट द नेम। ये सुरभि नाम है? नहीं, ये नहीं सर, मछली रहस्य। ये नहीं, मछली रहस्य सर। मछली रहस्य नहीं, मछली रास। रास, ओके ओके ओके। सो वेरी गुड, अच्छा है। मछली भी आपने अच्छा बनाया, मछली रास जो है, वेरी गुड। थैंक यू सर। पूरा नहीं किया सर। हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे। बट आपने ये जो सेमी सर्कल किया है, आपने ऊपर ऊपर से क्यों किया? मतलब सर भूल गई आप, मतलब हर सर्कल पे करना था आपको। ओ, हर सर्कल के ऊपर वो? यस, हाँ, ओके ओके, ठीक है सर। श्रुति जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे लोटस में मछली रास दिखाई दे रहा है। मैंने भी थोड़ा सा मतलब बनाया है बेसिक, फिर प्रॉपर बनाऊंगी सर। वो तो दिख रहा है, बस अभी बेसिक ही है। हाँ सर, आपने एक ड्रॉ किया है जिसको, वेरी गुड श्रुति जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, ये कंप्लीट करने में 6 दिन लग गए सर। कोई बात नहीं, मेरा मैं एक गणपति कंप्लीट कर रहा हूँ, वो 15 दिनों से कर ही रहा हूँ। बहुत अच्छी है श्रुति, वेरी गुड श्रुति, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, वेरी गुड। कल्पना जी, ये भी बहुत सुंदर है। इसका तीनों टेढ़ा हो गया, इस वजह से ये आंख तो मतलब काम कर नहीं रहा है। क्या टेढ़ा हो गया है? पिल्लो कला पता है ना, टेढ़ा समझ नहीं आ रहा। हाँ, टेढ़ा दिख रहा है, देखिए ये जो इसके पीछे का वो जो डिजाइन है ना, वो टेढ़ा दिख रहा है। हां सर, तो सारा कुछ सही है, आपका आर्ट सभी सही है, आपने जो वर्क किया है सही है, बस मुझे ये चीज मुझे टेढ़ा दिखा। हाँ सर, हाँ, जिसके कारण वो आर्ट टेढ़ा लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इस कुछ नहीं, अब बैक में अगर आप व्हाइट कलर फील करके अच्छे से, इधर तो ठीक है, इधर वाला व्हाइट से आप जगह जगह फील करें, और वो जैसे जितने दूरी में जितना छोटा इधर बनाया है उतना ही छोटा आप इधर बनाएं, और इस चीज को कंप्लीट कर लें। कोई बात नहीं, फिर से पीछे बनाएंगी तो ऐसे कैसे अच्छा लगेगा फिर? नहीं तो सर, दो का क्या बनाते हैं? अरे नहीं, इसके नीचे जगह ही नहीं है, इसके नीचे जगह है तो इतना पतला बन जाएगा, और इसके नीचे जगह है तो आप कितना मोटा बनाएंगे, वो बात है। सबसे बढ़िया, वो हमारे बीच को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये अरे नहीं रे बाबा, अच्छा है, बहुत सुंदर। उसके ऊपर वाइट पेंट लगाएंगे तो हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। बस इतने ही आर्ट हैं अंजना मैम का, सुरभि का, रूपा जी का, श्रुति जी का और कल्पना जी का। सर मेरा व्हाट्सएप पर है। मनीषा जी सर आपका व्हाट्सएप पे है। मछली रास जी सर अच्छा है, एडजस्ट तो आपने अच्छा किया है, बट दोनों तरफ कॉर्नर में जगह है, एक तो बाकी नीचे वाले साइड में जगह नहीं है, उसको एक जैसा बनाएं। अगर चारों तरफ जगह नहीं है तो दो तरफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरफ को इरेज करें और उसमें पानी का है डेकोरेशंस कर दें तो वो पूरा अच्छा दिखेगा। आज डोली कहार ओके कहार मैंने बताया था आप लोगों को। डोली कहार में सबसे पहले हम लोग का डोली बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये तो चार्ट पेपर पर बनेगा ना? क्या ये चार्ट पेपर पर बनाना पड़ेगा ना? नहीं समझ रहा मैं आपकी बात। चार्ट पेपर क्या आप हैंडमेड शीट पे बनाइए। सबसे पहले मैंने डोली बनाया है, मैंने इस शेप में डोली रखा है, आप लोग डोली और भी अलग अलग शेप में रख सकती हैं। सर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है आप में। एक मिनट ओके देखिए मैं बार बार एक चीज पे आप लोगों को ज्यादा बोलता हूं, तो डेकोरेशन पार्ट जितने अच्छे होंगे आपके आर्ट उतना अच्छा दिखेगा। ओके तो डेकोरेशन पार्ट आप लोग अपना खुद के एफर्ट से या जो भी मैंने बताया है उस चीज को लेके थोड़ा सा डेकोरेशन ज्यादा करें। आज अंजना मैम नहीं है, नहीं है सर, दो दिन से आ रही है। कल तो थी ना, कल भी बीच में आई। अच्छा हाँ आरती तो आज है, बट बहुत इस बीच में आरती बहुत गायब रही है। अब कब रेगुलर रहेंगे? अब हो गया रेगुलर का टाइम खत्म। ठीक है, डेकोरेशंस पार्ट जितने अच्छे होंगे आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी होगी। ये थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना क्योंकि मोटा मार्कर है। ये शिंघोरा बोलते हैं उसको, सिंदूर। इस पोजीशन में भी आप बिठा सकती हैं या बहुत सारे बैठने के तरीके हैं, कोई भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि बैठने के पोज तो मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको। दुल्हन का ये चुनरी हो गया। ओके, दुपट्टे में और इनके नीचे में साड़ी में आप लोग जो भी डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं। मैं ऐसे डॉट डॉट लूंगा, आप लोग पेंसिल से भी डॉट रख सकते हैं। इसके ऊपर फेस बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहार बनाएंगे। अब इसमें आप दुपट्टा डाल भी सकती हैं और नहीं भी डाल सकते। अगर दुपट्टा डालेंगे तो यहाँ से लेंगे, तो थोड़ा सा वो डोली के लाइन को हमें इरेज करना होगा। या तो पहले ही दुपट्टा ले लेंगे तो डोली की लाइन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी थी, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे टच हो रहा है, बट थोड़ा सा हम और भी आगे बनाएंगे तो ये टच नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, फ्लावर के भी डिजाइन्स को करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मुझे कोई मोर के ही डिजाइन को इसमें ऐड करना होगा तो हम उससे भी बड़ा कर सकते हैं, हमें मछली के डिजाइन से ऐड करना होगा तो हम उससे भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। ओके। नीचे वाले पार्ट में हम लोग जमीन बनाने की कोशिश करेंगे। और फूल पत्तों से भी डेकोरेशंस करेंगे हम लोग। कहीं कहीं हम बर्ड भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं जगह को। जगह डेकोरेशंस के लिए आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। पीछे से पेड़ भी हम लोग पेड़ ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत लगे डेकोरेशंस के में। जो यहाँ पे इस चीज़ के डेकोरेशंस को कर सकते हैं तो आप वो सब चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सीट है तो आगे एक ढोल बजाते हुए, एक बांसुरी बजाते हुए, पीछे भी एक ढोल बांसुरी बजाते हुए आप इस तरीके से भी आप अच्छा सा एक सीन जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखिए और बनाइए। बनाने के बाद सबमिट करें अपने अपने पोर्टल पे। ओके, ठीक है। Yes, sir. सर सर हाँ बोलिए बोलिए रूपा जी। सर एक बास्केट बनाया है सर। ठीक है हाँ ठीक है ओके सर। वेरी गुड मनीषा जी, बढ़िया है। श्रुति मेरा देख लीजिए सर। अच्छा, नहीं अच्छा है मैम, मुझे आपका वाला बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा आप आंख बनाते समय जैसे सीता जी की आंख आपने बनाई है ना, तो राम जी की भी आंख उसी तरीके से थोड़ा अच्छा बनाए। एकदम सही सर, एक्चुअली कल रात को मैं इसको बना रही थी, 12-12 बज गए थे। अच्छा तो वही सर, जिस एक पेन से मैंने ऊपर से इसको किया ना, वो थोड़ा थोड़ा तो अंदर की तरफ हो गया। उसी मोमेंट मैंने रियलाइज किया कि मैंने, जैसे देखिए आपने कान की बाली को बनाया, आपने राम जी के कान के बाली को बनाया, ठीक है। तो ये बाली में सिर्फ आपने रेड 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 कलर किया, क्यों नहीं मल्टी कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मुकुट कितना खूबसूरत बनाया है, बहुत सुंदर। और कभी भी राम जी को जो आपने बनाया, तो राम जी को पूरा कब बनाएंगे, उसके डेकोरेशंस पीछे होंगे। ऐसे लग रहा है डेकोरेशंस आगे हैं और उसके पीछे वो लोग बरमाला कर रहे हैं, ये इस चीज को दिखा रहा है। सीता जी बहुत सुंदर हैं, अच्छा बनाए हैं आपने। जैसे राम जी का जो आपने दुपट्टा बनाया है के ऊपर भी आपने ऑरेंज ही फील किया है, नहीं आप कोई दूसरा कलर फील कर सकती हैं। सीता जी की चुनरी आपने रेड करी है, तो फिर उसके ऊपर भी आपने रेड ही फीलिंग किया है। फिर आपने एक तरफ के आंचल में मोती, एक तरफ के आंचल में मोती बॉर्डर बनाया, दूसरे तरफ के आंचल में मोती बॉर्डर नहीं है। दिख रहा है राम जी वाले में भी वही है, राम जी के दुपट्टे में एक बॉर्डर है मोती बॉर्डर, दूसरे साइड वाले में बॉर्डर ही नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी सोच ऐसे नहीं होगी, वो बॉर्डर इधर है तो आपको इधर भी डालना होगा। दोनों साइड अलग अलग सेम होना जरूरी है। नहीं सर, दोनों साइड मतलब एक साइड में एक पार्ट होगा दुपट्टे का, और एक साइड के दो बॉर्डर, दूसरे साइड के दो बॉर्डर, ऐसे सर। अरे आपने एक ये दुपट्टा है, दिख रहा है आपको, यस सर। दुपट्टा के ऊपर आपने मोती बॉर्डर बनाया, यस सर। तो इधर वाले दुपट्टा के साइड मोती बॉर्डर कहाँ है? ओके, समझ गई। फिर राम जी के भी दुपट्टा में सेम चीज है, और जब आपने इधर फ्लावर्स दिए, इधर इनके कपड़े पे फ्लावर्स देने की जरूरत क्या थी? ये ठीक है। और जैसे देखिए जूरा के ऊपर आपने भी ऑरेंज कलर किया, यहाँ भी आपने ऑरेंज कलर किया, तो यहाँ आपने ऑरेंज किया, ठीक है, बट यहाँ आप ब्लू भी कर सकती थी, ग्रीन भी कर सकती थी। ओके, बस वही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें देखिए डेकोरेशन पार्ट आपने अच्छे किए हैं, बट जैसे ये डेकोरेशन पार्ट गले में अच्छे हैं, बाजू पे ठीक है, कमर में आपने किया ही नहीं कोई भी डेकोरेशन। कमर में एक बॉर्डर डालना था, उसके बाद कुछ डिजाइनिंग करते, फिर उसके बाद ये फीलिंग्स वाला काम करती, फिर उसके बाद सारा ये जो भी डिजाइन आपने दिया वो डालती, तो बहुत ही अच्छा है। 9 ओके मैंने बहुत छोटे छोड़ देते हैं लोग, आप कर सकते हैं वैसा, वो आपकी सोच है, अच्छा लगे तो गुड आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो फीलिंग करने का तरीका है जो डायरेक्ट जो फील करे उसके ऊपर कहीं 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 जो मोती के बालों के ऊपर मोती को दिखाया जाता है। तो आज ये एक असाइनमेंट है जो आज मैंने आपके असाइनमेंट पे डाल दिया है में आप लोग इसको अच्छे से कल बना के सबमिट करेंगे। फिर कल मैं एक कोई थीम आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद सोमवार को हमारी लास्ट क्लास होगी। कि हमारा बहुत कुछ कवर हो चुका है, सादे ही जा रहे हैं। ठीक है, एक थीम कोई थीम करेंगे, फिर परसों सॉरी संडे बंद होगा, फिर मंडे को हम लोग एक क्लास करके लास्ट तो प्लीज जितने लोग हैं या जो लोग सुन रहे हैं वीडियो देख के, जो लोग क्लास कर रहे हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है मंडे को आप लोग क्लास में अटेंड हो। ओके तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। और कल वाले क्लास में आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप लोग क्वेश्चन करके कर दीजिए, जैसे डाउट मीन्स कैसा है तो उसके थ्योरीज में आपको समझ नहीं आया या तो आपने नहीं किया, तो ये आज भर का टाइम है, आप लोग उसको देखें, नोट करें, कल उसको क्वेश्चन आंसर करके जो भी आपके डाउट है उसको करके हम लोग चलिए आप लोग अपना टाइम क्लास यहीं खत्म करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे। चलिए ओके बाय।